नमस्कार, मैं श्वेता सिंह, अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आजाद हिंद फौज का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस फौज की स्थापना 1942 में क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने की थी। 1943 में इसकी बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में चली गई थी। इस फौज में हरियाणा के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आज उन्हीं सैनिकों की वीरता के किस्से जानने के लिए हम बात करेंगे उनके परिजनों से। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के सैनिक ताराचंद चहल जी के पुत्र सविन चहल जी। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके दादाजी का हमारी आजादी में क्या योगदान रहा है, कैसे वो आजाद हिंद फौज के सदस्य बने। अमर उजाला पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू। आपके दादाजी का प्रारंभिक जीवन क्या रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। शुरुआत में मेरे दादाजी जो थे अपनी फैमिली के सबसे छोटे बेटे थे। मेरे दादा जो मेरे परदादा थे उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थी, टोटल 5 संतान में सबसे छोटे थे। और शुरुआत में उनके बचपन में ही जो मेरे परदादा जी थे वो एक्सपायर हो गए थे। और छोटी उम्र में पिता का साया उठने के बाद जैसे जैसे दिन कटे दादी जी ने उनका पालन पोषण किया। और इसी के साथ साथ जो बड़े भाई थे उन्होंने खेती बाड़ी का काम तो बचपन से ही संभाल लिया था, क्योंकि आपको पता होगा हरियाणा का कल्चर जो है वो शुरुआत में जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर और जब तक वो इस दुनिया से चला जाता है तब तक खेती उसके अंदर कहीं ना कहीं होती है। तो यही वाली चीज हमारी फैमिली में भी थी। जो हमारे बड़े दादाजी थे मतलब मेरे दादा के बड़े भाई नथुराम नंबरदार भी थे गांव के, हमारे परदादा भी नंबरदार थे, तो उन्होंने शुरुआत में ही ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि भाई फादर नहीं है तो मुझे अपनी फैमिली का, अपने छोटे भाई बहन का, अपनी मदर का, अपनी पूरी फैमिली का पालन पोषण खेती के थ्रू करना है। तो इसी के चलते शुरुआत से ही वो खेती में लग गए। बारी आती मेरे दादाजी के बारे में बात करने की, तो वो फैमिली में सबसे छोटे थे। पढ़ाई लिखाई उस टाइम पे ज्यादा नहीं हुआ करती थी, उस चीज के पीछे का रीजन था कि स्कूल उस टाइम पे बहुत दूर दराज के एरिया में हुआ करते थे। तो तीनों भाई थोड़े बहुत पढ़े, मेरे दादाजी 5वीं तक पढ़े हैं, ठीक है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 5वीं की, खेलों का उनको शौक था, खेलों का शौक था, इस वजह से कद काठी उनकी अच्छी खासी बढ़ गई थी। उस टाइम पे दादाजी का जन्मदिन जन्म 1920 में हुआ है और आपको पता होगा स्वतंत्रता संग्राम का वो दौर चला था उस टाइम पे, मतलब हर तरफ आक्रोश का माहौल था, जितने भी युवा थे नौजवान थे वो हर तरीके से देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे में जहां भी आते जाते खेलने कूदने में स्कूल में या जहां भी आसपास में बैठते, हमारे एरिया में आप देखेंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं, हमारे आसपास के एरिया में मेरे गांव से अगर मैं बात करूं तो 3 थे आजाद हिंद फौज में मेरे दादाजी। और हमारे साइड में एक गांव है संदरवास फोगाट करके, फोगाट से 3 आदमी थे, संदरवास से 7 आदमी थे, रानीला से कुछ आदमी थे, ऐसे करके हमारे आसपास के एरिया से मतलब आज के टाइम की बात करूं चरखी दादरी इलाके से बहुत ज्यादा आदमी इस जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तो दादाजी भी जब भी इधर उधर जाते या खेलों में जाते तो उनको इस चीज के बारे में पता चला, घर आके उन्होंने भाई से बातचीत की कि मेरे को ऐसे ऐसे भर्ती होना है, तो फैमिली ने काफी मना किया कि नहीं भाई हमारा आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, हमारी पुरानी पुस्ते भी कोई, हमारे दादाजी या परदादाजी कोई नहीं गए, हमारा जो खानदानी रवैया है हम खेती बाड़ी करते हैं और उसी से अपना सारा करेंगे। लेकिन दादाजी थोड़े से हठी थे, वो नहीं माने और 1940 में 17 जुलाई 1940 को उन्होंने INA को ज्वाइन किया। 20 साल की उम्र थी और नौजवान थे, ऐसा बताते हैं जैसे मैं तो दादाजी से डेथ के बाद 2.5 महीने बाद पैदा हुआ हूं, तो गांव में जो बड़े बूढ़े हैं मुझे इन चीजों का शौक है बड़ों से बात करने का। और सबसे जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बना मैं जब जवान हुआ तो मैंने देखा कि इस बारे में पता करना चाहिए, मैंने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जो दादाजी थे उन्होंने रंगून बर्मा और म्यांमार वाला ये पूरा एरिया, यहाँ पर जो लड़ाइयां हुई INA की या जो भी उस सब में पूरा पार्टिसिपेट किया। 1940 से लेके 1946 के आसपास तक 5 साल लगभग 9 महीने बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे पास ज्वाइन डेट और डिस्चार्ज डेट, उसमें 5 साल और टू बी एग्जैक्ट 273 दिन मेरे दादाजी की सर्विस रही है। और इसी में उन्होंने मैंने बताया कि सर्विसेज का एरिया जैसे बर्मा रंगून और ये वाला, इसके साथ साथ आपको पता होगा 1942 के आसपास 43 के आसपास कहीं पे जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी
उस टाइम पे हमारे ऊपर जिनका राज था, उन्होंने आजाद हिंद फौज को बर्खास्त कर दिया था। तो जैसे ही बर्खास्त कर दिया था तो जितने भी सिपाही थे, जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी नेताजी की डेथ के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ये तो जितने भी ये लोग थे, इन सबको उठा के कोई बोलता है कि काला पानी डाल दिया, कोई बोलता है लाल किले में डाल दिया, उस बारे में मुझे नहीं ज्यादा नॉलेज है, मैं नहीं बात करूंगा, मैं कुछ बोल दूं फिर कल को उस पर नहीं। उनको ऐसा बताते हैं लाल किले में डाल दिया, और उन्होंने काफी काफी सारी चीजें जो मतलब आप कह सकते हो कि यातनाएं झेली, ठीक है। फिर जैसे और लोगों से बातचीत की, दादाजी के टाइम के जो और लोग थे, उन्होंने बताया कि आजादी के बाद 1947 में मेरे दादाजी घर आए, उसके बाद आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आजादी के बाद उनका जीवन कैसा रहा, या आजाद हिंद फौज के समय में उनका जीवन कैसा रहा था, ऐसा कौन सा किस्सा आप उनके बारे में सुनते हैं जो आपको उनके साथ के लोग या आपकी दादी जी ने आपको बताया हो, जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। देखिए, जब दादाजी बर्मा की साइड से इंडिया में एंट्री कर रहे थे उस टाइम की बात है, मेरी दादी जी तो बहुत बाद में आई है, मेरे दादाजी रोक बोलते थे, जो कैद थी उसको रोक बोला जाता हरियाणवी में, तो मेरी जो बुआ है दादा की बहन, उन्होंने बताया कि रोक से आने के बाद दादाजी की शादी हुई थी, तो दादी को ज्यादा कुछ पता नहीं है उस बारे में, बुआ लोगों ने या और लोगों से बातचीत की ना, तो उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी ताराचंद नाम था, तारे बोलते थे गाँव में, कि तारे ऐसे बताता था कि भाई जब हम बर्मा की साइड से एंट्री कर रहे थे ना, तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और उस टाइम पे मच्छर की वजह से, मलेरिया की वजह से काफी लोग ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, और एम्यूनेशन प्लस फूड की सप्लाई कट गई थी बीच में से। तो ऐसा बताते हैं, जो पेड़ की छाल होती है ना, पेड़ की छाल, ये खा के भी उन्होंने दिन काटे। आप जैसे बता रहे हैं, आपके दादाजी हट ही किस्म के इंसान थे, उन्होंने एक हट ठानी कि उन्हें आर्मी में जाना है, और वो आर्मी में गए, तो उनकी देशभक्ति की भावना को आप अपने अंदर कैसे पाते हैं? इसी के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे फोगाट से थे, उनके सूबेदार मेजर थे, जो जिस बटालियन में मेरे दादाजी थे उनके सूबेदार मेजर थे, तो उन्होंने देखा कि मेरे गांव का, मतलब मेरे गांव के पास का लड़का है, तो उन्होंने फ्रंट में भेजने का रूल था उस टाइम पे कि जितने भी सोल्जर्स आ रहे हैं सबको फ्रंट पे भेजो। जैसे मैंने बताया ना, बर्मा से इंडिया में एंट्री कर रहे थे, अंग्रेज हुकूमत से लड़ने के लिए जो इस साइड से सोल्जर्स थे उनके साथ लड़ना था, तो जो सूबेदार मेजर थे उन्होंने 3 बार दादाजी का नाम काटा, ऐसा बताते हैं 3 बार नाम काटा, लेकिन उन्होंने हर बार जाके ये बोला, मेजर सूबेदार साहब मेरा नाम लिखिए, मेरे को फ्रंट पे जाना है, क्योंकि मैंने बताया ना वो हटी थे, उनको ये था कि भाई मेरे को जाना है कैसे भी करके, मेरे को अपने देश के लिए करना है, क्योंकि पीछे उनका पूरा परिवार था, 2 भाई थे, उनकी शादियां हो गई थी, सारा पूरा का पूरा फैमिली सेट हो गया था, वो उस टाइम तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मैं बता रहा था पीछे कि 1947 के बाद वो घर आए, तो 1948 में मेरी दादी जी से उनकी शादी होती है, मेरे दादाजी की डेट ऑफ बर्थ 1920 है और मेरी दादी जी की डेट ऑफ बर्थ 1932 है। तो उसके बाद मेरे दादाजी के 3 बेटे और 1 बेटी हुई, बेटों में से 3 में से आज कोई भी जिंदा नहीं है, मेरी बुआ जी जिंदा है। और रही बात आपने जो क्वेश्चन पुट किया कि मैं अपने अंदर कैसे देखता हूं, देखिए मैंने अपनी लाइफ की मैं बात करूं तो मैंने 3 साल इंडियन आर्मी की ट्राई की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा लक लगा लीजिए या कुछ भी रीजंस रहे उसके पीछे, पर अब जब भी कभी मुझे मौका मिलता है ऐसी चीजों के, मैं हमेशा मेरे से जो यंगर है, मेरे से जो छोटे हैं, उनको मैं हमेशा मोटिवेट करता हूं कि कुछ भी हो जाए आपको जान देनी पड़ जाए, देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है, ये इस तरीके से वाली चीज मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ब्लड में है। एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से होके आप खुद एक युवा है, तो आप दूसरे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे देश के लिए, चाहे मैं इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करूं या फिर यंग ब्लड भगत सिंह जी की बात करूं, तो हमें एज ए यूथ होने के नाते हमें ये देखना चाहिए कि उस टाइम पे किस चीज की डिमांड थी, बलिदान देश को चाहिए था, सेक्रीफाइस उन लोगों ने किया, लेकिन आज के टाइम पे हम क्या चीज देख रहे हैं सोसाइटी में, क्या क्या चीजें जो हमारे ऊपर बैड इंपैक्ट डाल रही है, आई थिंक हमें उनके अगेंस्ट में लड़ना चाहिए।
आपका अमर उजाला के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने जाना था ताराचंद चहल जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में कि कैसे उन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, कैसे उन्होंने यातनाएं सही। हमारे साथ मौजूद हैं वीर सैनिक चंद्रभान मलिक के पुत्र जयप्रकाश मलिक जी। चलिए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ चंद्रभान मलिक जी का सफर रहा है, क्या उनका हमारी आजादी में योगदान रहा है। सर आप बताइए कि कैसे आपके पिताजी ने भारतीय सेना में हिस्सा लिया था, कब उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। मेरे फादर का जन्म गांव कलावड़ जिला रोहतक में 5 जून 1916 में हुआ था। मेरे दादाजी का नाम तो हीरा सिंह थे। मेरे फादर 1936 में ज्वाइन किया था उन्होंने आर्मी को, इंडियन नेशनल आर्मी को, और वो सिंगापुर जिस टाइम थे वो कैद कर लिए गए, लेकिन जब बॉस वहाँ पहुँचे जापान के अंदर, उन्होंने INA की स्थापना की थी। उस टाइम वहाँ जितने भी युद्धबंदी थे उनको INA में शामिल कर लिया और INA में ही ज्वाइन कर लिया उन्होंने एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट। उसमें बहुत यातना ऐसे ही उन लोगों ने, 6 तो घर भी नहीं आए थे, सब सोचे थे बस वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन वो लड़ते रहे, बॉस के काफ़ी नज़दीक रहे हैं वो, और 1945 में वो घर आए थे, 1936 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था। ऐसा उनका कौन सा किस्सा रहा है जो आपको याद हो, आपको बचपन में उन्होंने बताया हो या उनसे जुड़े लोगों ने आपके सामने बताया हो? हमारे गांव के चोई बनवारी लाल जी थे उनके साथ, वो बताते थे साहब के बारे में, और बड़ी बहादुरी से लड़ते थे और सबसे आगे रहते थे। दिल्ली चलो का नारा गूंजता रहता था, जय हिंद बोलते रहते थे और लड़ाई में सबसे आगे रहते थे, नेतृत्व करते थे अपने बटालियन का, और जिनके जिनका नेतृत्व किया वो हर आदमी, कई आदमी मेरे को मिले थे, उन्हें बताते थे बड़े निडर आदमी थे और युद्ध में बिल्कुल तनिक भी उनको हिचक या डर नहीं था। अपने सभी साथियों का हौसला अफजाई करते थे और दिन रात भूखे प्यासे दुश्मन से लड़ते रहते। मलिक जी, लेफ्टिनेंट साहब की ऐसी देशभक्ति की कौन सी आदत है जो आप अपने अंदर भी देखते हैं, उनकी देशभक्ति की भावना को आप अपने अंदर कैसे पाते हैं? देशभक्ति का जज्बा तो हमारे खून में ही है जी, ईमानदारी अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं। कभी भी कोई ऐसी बात आती है तो चढ़ भर के हम आगे हिस्सा लेते रहते हैं। आजादी के बाद उनका जीवन कैसा रहा था? आजादी पढ़े लिखे होने की वजह से उन्होंने केंद्र सरकार में नौकरी ज्वाइन की एज ए टीचर, NDSI थे वो, और जिस टाइम वो एक्सपायर हुए उस टाइम गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्माइला में टीचर थे वो। हर जगह तिरुकुणे से 1967 में 29/10/1967 को वो एक्सपायर हो गए थे। आज आप हमारे वीर शहीदों के परिवारजनों को, हमारे युवाओं को देशभक्ति से रिलेटेड क्या बात कहना चाहेंगे? अपने देश के प्रति कोई भी अपने जो याद नहीं करता अपने सैनिकों को, अपने शहीदों को, वो मुल्क ज़्यादा दिन आज़ाद नहीं रहते। अपने जितने भी कुर्बानियाँ दी हैं, सर्वोच्च बलिदान दिया है जिन्होंने भी हमारे देश के लिए, हम नतमस्तक होके उनका, शहीदों का हमें याद करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और देशभक्ति के बारे में बच्चों को बताते रहना चाहिए। जो हमारे नए युवा हैं जो आर्मी में जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की हमारी भारतीय सेनाओं में जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे हमारे जवान, तो दुनिया में सबसे अनोखे, निराले और निडर हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उनका जज्बा इतना होता है। खास करके हमारे इलाके के जो नॉर्थ इंडिया के हमारे हैं बड़े ताकतवर, और उनको कहने की जरूरत ही नहीं रहती, वो तो तैयार रहते हैं हमेशा अपने देश पे नछावर होने के लिए। कारगिल में देख लो, चाइना 62 से लेकर आज तक जितने युद्ध हुए हैं हमारे सैनिकों ने खूब बढ़ चढ़ के अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए, और उन्हीं की वजह से देश सुरक्षित है आज। ये हमने जाना हमारी भारतीय सेना के जवान और आजाद हिंद फौज के सदस्य लेफ्टिनेंट चंद्रभान जी के बारे में, कैसे उन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया। आज हम पहुंचे हैं मायना गांव में स्वतंत्रता सेनानी बालक राम पंघाल जी के घर। आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके पुत्र प्रकाश पंघाल और उनके पौत्र डॉक्टर सतीश पंघाल जी। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उनके दादाजी का योगदान रहा है, कैसे उन्होंने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था। नमस्कार सर, अमर उजाला में आपका स्वागत। नमस्कार। आपके दादाजी ने आजाद हिंद फौज को कब ज्वाइन किया था? आजाद हिंद फौज जो गठन के दौरान ही था, 1942 के दौरान, तभी मेरे दादाजी ने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया, और उनके अंदर जो जज्बा था देशभक्ति का
और इससे झलकता है कि मेरे दादाजी यहाँ आसपास के 7 गांव में पहले व्यक्ति थे जो मैट्रिक पास थे और उनकी ज्वाइनिंग एज ए पटवारी और देन उसके बाद जो है रिवेन्यू ऑफिसर के रूप में हुई थी, लेकिन उस जॉब को क्विट करके और उन्होंने जो है INA को ज्वाइन किया ताकि देश को एक आजादी मिल सके और हर व्यक्ति का अपना योगदान था उन दिनों में और उस योगदान में जो है हमारे परिवार से भी थोड़ा सा समर्पण हुआ। स्वतंत्रता से पहले उन्होंने आजाद हिंद फौज के दौरान उन लड़ाइयों के दौरान क्या कुछ सहा, क्या उनका सफर रहा? जो मेरे दादाजी थे स्वर्गीय श्री बालक राम पंघाल, वो बताते थे कि उन्होंने जो है काला पानी जो अंडमान निकोबार में जेल होती थी वहां यातनाएं सही और वहां उनको कैद किया। यातनाएं इस प्रकार थी कि वहां उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था, वो नारियल को फूक फूक कर जो है अपना काम चलाते थे, नारियल ही खाना होता था और जो है वही जो है खारा पानी और जो इस तरह की चीजें जो भी वहां भारतीयों के साथ सलूक किया जाता था, बद से बदतर सलूक जो था, INA के जो सेनानी थे उनके साथ और भी जो है इस तरह का सलूक किया गया जिससे वो असहनीय पीड़ा से गुजरे। और यही कारण रहा कि आजादी के बाद जब मेरे दादाजी यहाँ वापसी में आए मेरे गांव में तो उनकी तबीयत इतनी नासाज रहती थी कि वो कुछ टाइम बाद ही चल बसे थे। उनकी यातनाएं जो है अंग्रेजों की दी हुई यातनाएं जो है उनके ऊपर काफी भारी थी। ऐसा कौन सा किस्सा उस दौरान का रहा है जो उन्होंने सबसे ज्यादा आप लोगों के सामने व्यक्त किया हो कि जो एक उनके जहन में उस किस्से ने पकड़ बना रखी हो? सुभाष चंद्र बोस जी जो पूरे देश के लिए नेताजी के रूप में जाने जाते थे वो मेरे दादाजी के लिए हमेशा ही आदरणीय थे और उनकी मोटिवेशनल और उनका जो देशभक्ति का नारा था दिल्ली चलो और स्वतंत्रता में जो है अपना योगदान देने का, तो वो सारी की सारी चीजें मेरे दादाजी के जहन में व्याप्त थी और उन्होंने ही उनको मोटिवेट किया जो आगे चल के जो है इसमें ज्वाइन कर पाए। अपने दादाजी की देशभक्ति की भावना को आप अपने अंदर, अपने पिताजी के अंदर और अपनी यंगर जनरेशन के अंदर कैसे देखते हैं? ये उन सब स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है जो आज आप और हम यहाँ जो है एक खुली हवा में बैठ के सांस लेने लग रहे हैं और हम अपनी आजादी अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। उनका योगदान, हर स्वतंत्रता सेनानी का योगदान जो है देश के लिए अस्वीमरणीय है और ये हमारे अंश में छिपा है। हमारे खून का कतरा कतरा जो है देश के लिए समर्पित है, आज भी है और मेरे दादाजी के टाइम तक भी था। मेरे पिताजी जो है, जो भी हम किसी भी फील्ड में जब काम करते हैं, एट प्रेजेंट मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और जो मेरे से बन सकता है बच्चों का जो है एक उनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक उसमें मैं अपना कार्यरत हूँ। यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी का कन्वीनर भी हूँ मैं अपने कॉलेज का और बच्चों को जो मोटिवेट करता हूँ कि कैसे हम मानवता के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं, ये सारी की सारी प्रेरणाएं जो है मेरे अंदर जो है मेरे दादाजी के द्वारा। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे युवाओं को आप एक एजुकेटेड पर्सन एज ए यूथ ऑफ सोसाइटी उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि एक सैनिक परिवार से होने के नाते आप बाकी सैनिकों परिवारों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं, उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि आप जो है नशे से दूर रहिएगा क्योंकि प्रेजेंट टाइम में नशा ही एक ऐसी समस्या है भारत के अंदर जो कि कैंसर की तरह फैलता हुआ जा रहा है। शिक्षा पे फोकस कीजिएगा, पढ़ाई का कोई भी विकल्प नहीं होता है, जितना एजुकेशन में जितना आप इन्वॉल्व रहोगे उतना ज्यादा आप अपलिफ्टमेंट करोगे। आपके पास हजारों उदाहरण होते हैं कि जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होके और IAS ऑफिसर और उससे भी बड़े बड़े रैंकों तक पहुंचते हैं। सभी युवा जो है उनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं, नशे से दूर रहें, देशभक्ति उनके अंदर व्याप्त रहे और जो ये भारत है, ये अखंड भारत है, इसके प्रति हमारा सम्मान हमेशा बना रहे, तिरंगे के प्रति जो है हमारा सम्मान हो और इस पे कभी भी आंच ना आने पाए। कोई ऐसा काम हम ना करें जिससे किसी भी स्तर पे, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे प्रिंट मीडिया हो, कि उसमें देश की कहीं ना कहीं जाके बदनामी हो। तो युवाओं से यही है अनुरोध मेरा कि मेहनत करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और देश हित में कोई भी किसी भी स्तर का अगर आप योगदान दे सकते हैं तो बहुत बेहतर है।
अमर उजाला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर सतीश, जिन्होंने बताया कि उनके दादाजी ने किस कदर हमारी स्वतंत्रता में योगदान दिया है, आजाद हिंद फौज के सदस्य होने के नाते उन्होंने कितनी यातनाएं सही हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सब भी अपने आसपास के इलाके में मौजूद ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जरूर जानें। मैं श्वेता सिंह, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह और रोहित डागर। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।